ग्यारह का चार देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका बड़ा न्यून कोण जो है ना, बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का दो गुना है। देखिए, तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण बनते हैं ना, तो ये तो एक 90 हो गया समकोण होने के कारण, है ना। और एक जो है ये देखिए, एक छोटा दिख रहा है तो इसको x मान लीजिए, और बड़ा वाला क्या है उसका दो गुना है, यानी ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो बड़े न्यून कोण की माप अंश में लिखना है, यानी कि इसको अंश में निकालना है। तो पहले चीज की तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप हमें यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, या आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए है आपका एक्स, एंगल बी है आपके पास 90, और एंगल सी आपका कितना है 2x, बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 3x, और 90 को ले जाके इधर घटा दीजिए तो आ जाएगा 90। ये 90 आके 180 में घटा दिए तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, और बटा में 3 काट दीजिएगा 30 बार में, x का वैल्यू आ गया 30। तो दोनों में से आपको बड़ा न्यून कोण निकालना है, तो बड़ा न्यून कोण तो एंगल सी वाला है, तो सी बराबर है 2x, यानी हो जाएगा 2 × 30, आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर